पार्वती माँ, गणेश मुझे सताने का कोई मौका नहीं छोड़ता। हाँ, हमें भी वो बहुत सता रहा है। मैं देवताओं और अफसराओं के बच्चों को शिक्षा देता हूँ, किंतु गणेश की शैतानियों के कारण हमेशा शिक्षा में बाधा पड़ती है। गणेश, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें इस बार अवश्य दंड मिलेगा। मुझे कैलाश पर्वत छोड़ के जाना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे माँ की याद बहुत सताएगी और मुझे मोदक कौन खिलाएगा? देखो गणेशा, मैं अपने साथ भगवान शिव की ये किताब भी लेकर आया हूँ। अरे, ये किताब तो वही है जिसकी मंत्रों पढ़ने से मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। हाँ हाँ, ये वही किताब है। किंतु ये किताब मुझे ढंग से पढ़ने नहीं आती। पिताजी ने बहुत पढ़ाने की कोशिश की, किंतु मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। चलो कोशिश करके देखते हैं, क्या पता हम इसे पढ़कर लोगों की मदद कर पाए और भगवान शिव हमें जल्दी वापस बुला ले। वो देखो, विनायकपुर। हाँ, यही गांव है। चलो चल कर देखते हैं। अरे और राधा, फटाफट काम कर, अभी बहुत काम बचा है। जी मालिक। देखो, हम जरा बाहर जा रहा हूँ, हमारे आने से पहले सारे बर्तन भी साफ करके रखना। जी मालिक। राधा। अरे गोपू, तुम? हाँ, मुझे दो लड्डू चाहिए। ये गांव इतना सजा हुआ क्यों है? तुम्हें नहीं पता, गणेश चतुर्थी आने वाली है और विनायकपुर के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। उस दिन हम सब भगवान गणेश की पूजा करते हैं। अच्छा, लेकिन ये गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? वो तो मुझे भी नहीं पता, तुम अपने गुरुजी से पूछो ना। हाँ, मैं अपने गुरुजी से पूछूंगा। अच्छा, अब तुम जाओ, मुझे बहुत काम करना है। राधा, तुम यहाँ इतना काम क्यों करती हो? क्योंकि मैं अनाथ हूँ और अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो मुझे खाने को कौन देगा? मेरे गुरुकुल चलो, वहाँ बहुत सारे बच्चे साथ रहते हैं और पढ़ते हैं। नहीं गोपू, मुझे पता है कि मेरे गणेश भगवान मेरी मदद करेंगे और जल्दी ही मुझे यहाँ से ले जाएंगे। सब कुछ कितना अद्भुत है ना? हाँ, किंतु हमें किसी की मदद करने के बारे में सोचना है। अब क्यों रो रहे हैं? क्या कहूँ, मेरी गाय दूध नहीं दे रही। मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन तुम तो एक छोटे बच्चे हो। आप दूध निकाल कर देखिए।
इसे रोको। अरे अरे देखो क्या हो रहा है, इस लड़के के पास जादुई पुस्तक है। ये तुमने मेरी गाय को क्या किया? लेकिन लेकिन अब मैं क्या करूं? पता नहीं इसने गाय को क्या कर दिया। इधर गए होंगे, अरे तुम उधर देखो, उधर देखो। चलो उसकी मदद करते हैं, क्या पता मदद के बदले वो हमें कुछ मिठाई खाने को दे दे। ए लड़की। हाँ आपको क्या चाहिए? अगर मैं ये सारे बर्तन और दुकान एक क्षण में साफ कर दूं तो? ये कैसे हो सकता है? देखती जाओ। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो ज्ञानं लक्ष्मी नारायण, अरे क्या है, ओम श्री गण, ओम श्री वसु तत्वे, अरे सर्व मंगल मंगल उला, श्री 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 उला, ओम भूर श्री उला। ये सब क्या हो रहा है? चली जाओ हमारी दुकान से और वापस कभी मत आना। चले जाओ तुम यहाँ से, तुम लोगों के कारण मुझे दुकान से निकाल दिया, अब मुझे खाना कौन देगा? और मैं सोऊंगी कहाँ? हमें क्षमा कर दो, लेकिन तुम हमारे साथ चल सकती हो। नहीं, जाओ यहाँ से अपने चूहे के साथ और दोबारा कभी यहाँ मत आना। क्या तुम भगवान शिव के पुत्र हो? तुम मेरी सहायता कर सकते हो? मैं अत्यंत मुसीबत में हूँ, मेरी सहायता करोगे? मेरी बात ध्यान से सुनो।
कार्टून्स देखने के लिए धन्यवाद। नए एपिसोड्स देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।